एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया भी 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो वायुसेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किए गए हैं, लिहाजा अगले 2 साल तक वो इस पद पर रहेंगे। उन्होंने जून 1980 में इंडियन एयर फोर्स के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त किया था, जिसके बाद वायुसेना में विभिन्न प्रमुख पदों पर वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नए एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 12 जुलाई को फ्रांस में ट्रायल के तौर पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और विमान की जांच भी की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि राफेल देश की सेना के लिए बेहद अहम है। भदौरिया 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए गठित निगोशिएशन टीम का हिस्सा भी थे। कई अहम जिम्मेदारियों को संभाल चुके भदौरिया देश के दक्षिण पश्चिमी मोर्चे पर जगुआर स्क्वाड्रन के कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन और सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के कमांडिंग ऑफिसर की भी जिम्मेदारी संभाली है। वो राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र में LCA तेजस प्रोजेक्ट के चीफ टेस्ट पायलट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। नए एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलटों में से एक है। उन्होंने अब तक राफेल सहित 28 से ज्यादा प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमानों को उड़ाया है। कई पदकों से सम्मानित हो चुके भदौरिया को जनवरी 2013 में अति विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था। जनवरी 2002 में उन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका था। जनवरी 2018 में परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट।